ये कहानी हस्बैंड वाइफ की है जिन्हें एक टीपॉट मिलता है जिसके बाद से उनकी जिंदगी ही बदल जाती है। तो शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी जॉन को जो एक कंपनी में नौकरी करता है, वो अपनी वाइफ के साथ एक किराए के घर पर रहता है। अब जो मकान का मालिक है वो उसकी वाइफ को हमेशा ही परेशान करता रहता है, साथ ही वो जॉन को भी सुकून से रहने नहीं देता। जैसे उसका दिल करे वो उसे वैसे परेशान करता रहता है। जॉन की वाइफ एलिस अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ रही है लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही होती, मतलब कि अभी इनका बुरा वक्त चल रहा है, किस्मत इनका साथ ही नहीं दे रही। अब एक तो जॉन का बॉस उसके काम से खुश नहीं, तो दूसरा लाख ढूंढने के बावजूद भी एलिस को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। उन्हें इस मुश्किल वक्त में पैसों की सख्त जरूरत है और जो उनके पास जमा हुए पैसे हैं वो भी दिन से खत्म हो रहे हैं। अब ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ इनके सिर्फ दो ही दोस्त थे जो अच्छे थे। उन दो दोस्तों के अलावा पार्टी में इनसे कोई भी बात नहीं करता, मगर इस बात से उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन वो घर का जरूरी सामान लेने के लिए जा रहे होते हैं, वो बातें भी कर रहे थे जहाँ इसी बीच एक ट्रक इनकी गाड़ी से हल्का सा टकरा जाता है जिससे इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, मगर किस्मत से ये बच जाते हैं, इन्हें कुछ नहीं होता। कुछ वक्त के बाद यहाँ पुलिस भी आ जाती है। जब वो लोग पुलिस से बात कर रहे थे तो तभी एलिस की नज़र सामने एक दुकान पर पड़ती है जहाँ पुराना और कीमती सामान बिकता था। दुकान के पास ही उसकी मालिक भी खड़ी होती है जिसके हाथ में एलिस एक टीपॉट देखती है, यानी चाय का बर्तन जो बहुत ही कीमती लग रहा था। वो टीपॉट उसे इतना अच्छा लगता है कि वो औरत के पीछे पीछे उसकी दुकान के अंदर ही आ जाती है और हर तरफ तलाशी लेने लगती है उस टीपॉट को ढूंढने के लिए। मगर तभी दुकान के मालिक वो औरत यहाँ पर आ जाती है। वो एलिस से पूछती है कौन हो तुम और मेरी दुकान में क्या कर रही हो, जिस पर एलिस उसे इधर उधर की बातें करने लगती है कि दरअसल मैं अपने लिए कोई चीज यहाँ पर लेने आई थी, बस वही ढूंढ रही थी। अब उस औरत का फोन बजने लगता है जिसे सुनने के लिए वो यहाँ से चली जाती है। तो मौका देकर वो उस औरत के कमरे में जाती है क्योंकि एलिस ने उस औरत को अपने कमरे में टीपॉट रखते हुए देख लिया था। अब वो इस टीपॉट के पीछे इसीलिए पड़ गई थी क्योंकि ये इतना सुंदर और कीमती लग रहा था कि एलिस की नजर इस पर से नहीं हट रही थी। अब क्योंकि वो उसके हाथ लग गया था इसीलिए उसे चुरा कर अपने साथ घर ले आती है। एलिस को वो इतना पसंद आ गया था कि वो उसे हर वक्त ही अपने पास रखती थी। एक दिन उसे चोट लग जाती है जिस वजह से टीपॉट का ढक्कन अचानक से खुल जाता है। जैसे वो ढक्कन हटाती है तो उसमें से उसे पैसे मिलते हैं। ये देखने के बाद वो एक बार फिर खुद को चोट लगाती है और जब टीपॉट को देखती है तो उसमें दोबारा से कुछ पैसे होते हैं। अब यहाँ वो समझ जाती है कि जितनी बार वो खुद को चोट लगाएगी टीपॉट उतनी बार ही उसे पैसे देगा। उधर जॉन को उसका बॉस नौकरी से निकाल देता है। फिर जब वो मायूस होकर घर आता है तो पूरे घर को बिखरा हुआ देखता है। वो एलिस को भी बेड पर आधी बेहोशी की हालत में जख्मी पाता है। उसे काफी चोटें लगी हुई थी। वो समझ नहीं पाता कि घर का ऐसा हाल कैसे हुआ और एलिस जख्मी क्यों है। तो वो मुस्कुराकर उसे कहती है कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी। जब उसे होश आती है तो जॉन उसे बताता है कि मेरी नौकरी चली गई है। ये सुनकर एलिस उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारती है। अब जाहिर है उसके ऐसा करने से टीपॉट दोबारा से उसे पैसे देता है। तो अब यहाँ वो जॉन को भी इस टीपॉट और इसमें से निकलने वाले पैसों के बारे में बता देती है। फिर पूरी शाम एलिस खुद को और जॉन को चोट पहुँचाकर टीपॉट से पैसे हासिल करती रहती है। अब इस तरह से चोट पहुँचाकर पैसे हासिल करना जॉन को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो एलिस से कहता है ये कोई नौकरी नहीं है और ना ही पैसे कमाने का ये कोई अच्छा तरीका है। जिस पर वो उसे समझाती है कि और क्या करें, हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम पैसे नहीं कमा पा रहे और तुम इस टीपॉट को गॉड की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट ही समझो क्योंकि इसके जरिए हम जितने चाहे पैसे कमा सकते हैं, हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तब उसकी ये बातें सुनकर जॉन चुप ही हो जाता है। अगली सुबह वो एलिस के लिए कागज पर ये लेकर गया होता है कि मुझे लगता है इस तरीके से पैसे कमाना हमारे लिए आगे चल के खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए मैं इस टीपॉट को वापस देने जा रहा हूँ। फिर जैसे उस दुकान के बाहर जाता है तो दुकान बंद होती है। तब वो उस टीपॉट को लेकर एक शो में जाता है जिसे बाद में टीवी पर भी दिखाया जाता है। अब उस टीपॉट को देखकर एक डॉक्टर काफी हैरान हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसके बारे में बहुत कुछ जानता है। फिर जब जॉन घर आता है तो वो दोनों वादा करते हैं कि 10 लाख रुपए कमाने के बाद हम टीपॉट को उस दुकान पर वापस लौटाएंगे। और वो लोग अलग अलग तरीके ढूंढने लगते हैं खुद को चोट पहुंचाने के, जैसे इंजेक्शन लगवाना, टैटू बनवाना, दांत निकलवाना वगैरह, जिसके जरिए वो पैसे कमाकर वॉशरूम में छुपा कर रखते हैं। अब ये दोनों एलिस के घर वालों को खाने पर बुलाते हैं जहाँ जॉन चिकन लेकर भी आता है, ये जानते हुए भी कि एलिस की फैमिली गोश्त नहीं खाती बस सब्जियां खाती है, लेकिन अपने शो के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। अब
एलिस की अपनी बहन से बिल्कुल नहीं बनती, इसीलिए वो बार बार उसे चिढ़ाने के लिए बस यही पूछती रहती है कि आखिर कब तक ऐसी रहोगी, बच्चा भी पैदा कर लो अब। जब एलिस की फैमिली चली जाती है तो उनके घर में दो जुड़वा भाई आते हैं, जो आते जॉन को मारने लगते हैं और उसे उस टीपॉट के बारे में पूछते हैं। वो बताते हैं कि हमारी दादी ने एक हादसे में इस टीपॉट को बड़ी मुश्किल से बचाया था और साथ ही उन्होंने मरने से पहले हमें बताया था कि वो टीपॉट चोरी हो गया है और हमें पता है कि वो तुम्हारे पास ही है। ये कहते हुए वो उसे और मारने लगते हैं और कहते हैं कि चलो शाबाश, वो पैसे जो टीपॉट से निकले हैं वो हमें दे दो। अब जॉन के पिटने की वजह से टीपॉट ने जो पैसे दिए होते हैं वो पैसे एलिस उन भाइयों को दे देती है और कहती है कि वो टीपॉट अब हमारे पास नहीं है, हमने उसे बेच दिया है। मतलब वो झूठ बोल रही थी। ये सुनकर वो भाई वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अब ये दोनों फैसला करते हैं कि अब वो इस टीपॉट की हकीकत जानकर ही रहेंगे कि आखिर इसके पैसे देने की वजह क्या है। ये पता लगवाने के लिए वो लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये टीपॉट बहुत ही पुराने जमाने का है जिसके पास कुछ ताकते हैं। एक सफे पर इस टीपॉट को इस्तेमाल करने के नुकसान भी लिखे होते हैं। तब उस सफे को पढ़कर एलिस चुपके से अपने पास रख लेती है। जैसे ही जॉन उस टीपॉट से होने वाले नुकसान के बारे में पढ़ने लगता है तो देखता है कि वो सफा तो यहाँ से गायब है, किसी ने फाड़ लिया है। अब हमें पता है कि ऐसा किसने किया है। इस बारे में वो एलिस से पूछता भी है, मगर वो इधर उधर की बातें करके उसे ये बात ही भुला देती। घर जाने के बाद वो जॉन से कहती है हमें और बहुत सारे पैसे कमा कर खर्च करने चाहिए, इस जिंदगी में खूब मजे करने चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, जिस पर जॉन उसकी बात मान लेता। ये लोग एक महंगी गाड़ी और बहुत ही खूबसूरत आलीशान घर खरीद लेते हैं। इस खुशी में वो अपने घर पार्टी रखते, लेकिन जॉन देखता है कि एलिस का सलूक उसकी दोस्त के साथ अच्छा नहीं है। वो उसके साथ एक से पेश नहीं आ रही, बल्कि वो एक अमीर लड़की से दोस्ती कर लेती है। उसके मुकाबले में जॉन का सलूक नहीं बदलता, वो अपने दोस्त के साथ बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे वो पहले था। पार्टी चल ही रही थी कि तभी उनके घर वही डॉक्टर आता है जो उस टीपॉट को देखकर हैरान रह गया था। वो जॉन से कहता है अब दोनों हस्बैंड वाइफ की जिंदगी खतरे में है उस टीपॉट की वजह से, इसी बारे में मैं आपसे बात करने आया, जिस पर वो सोचने लगता है। फिर कुछ देर के बाद कहता है कि इस बारे मैं पहले अपनी वाइफ एलिस से बात करूंगा। वो दोनों आपस में मशवरा करके बाहर आते हैं। एलिस डॉक्टर से कहती है हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। अब रात के वक्त वो इस टीपॉट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमारे लिए कितना अच्छा है, इसने हमारी जिंदगी ही बदल कर रख दी है। जब तक ये हमारे पास है गुरबत तो हमारे करीब तक नहीं आ सकती, बल्कि हम तो अमीर से अमीर होते जाएंगे। अब ये सारी बातें बाहर खड़ा मालिक मकान सुन लेता है। फौरन घर के अंदर आकर कहता है मैं जानता हूँ तुम लोग इतने अमीर कैसे हुए, पैसे कैसे कमाए टीपॉट के जरिए, है ना। ये कहकर वो एलिस के हाथ से उस टीपॉट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर बाहर सड़क पर जाने के बाद वो उसे जोर से काफी दूर फेंक के मारता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो उस पर अपनी गाड़ी तक चढ़ा देता है। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी उस टीपॉट को कुछ नहीं होता, ये देखकर एलिस और जॉन काफी हैरान रह जाते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तब इसकी वजह जानने के लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि ये टीपॉट 2000 साल पुराना है, दुनिया के सबसे अच्छे और बुरे इंसान के पास ही रहा है। फिर एक जंग में सिपाहियों के हाथ से ये कहीं खो गया, अगर ये टीपॉट किसी गलत हाथों में चला गया तो तबाही हो सकती है। अब क्योंकि ये टीपॉट तुम्हारे पास है तो अगर तुम्हारे मन में जरा भी कोई बुराई आई तो उस बुराई को ये तुम्हारे अंदर और मजीद फैला देगा, जिस वजह से तुम दोनों पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। लेकिन हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है, तो अपनी भलाई के लिए वो टीपॉट तुम मेरे हवाले कर दो। लेकिन एलिस ऐसा करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसे देने से मना कर देती है। फिर इसके बाद इन दोनों का चोट पहुंचाने का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाता है। फिर एक रात वो जुड़वा भाई इनके घर आते हैं और वॉशरूम में छुपाए हुए पैसों को चुरा कर ले जाने लगते। तभी उनकी आहट सुनकर वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं और एलिस के हाथ में वो टीपॉट देखकर वो भाई कहते हैं कि ये टीपॉट हमारा है और तुम हमारा हक मार रहे हो इससे निकलने वाले पैसे लेकर, इसीलिए हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अपने पैसे लेने के लिए हम आते रहेंगे। और हाँ, अगर हम चाहें तो इस टीपॉट को ले जा भी सकते थे, मगर हम इसे लेना नहीं चाहते क्योंकि हम इसकी ताकतें और खतरात के बारे में जानते, इसीलिए तुम लोगों के लिए भी बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इस टीपॉट से अपनी जान छुड़वा लो। फिर जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो तभी एलिस उसी टीपॉट से इन दोनों पर हमला कर देती है और अपने कमाए हुए पैसों को उनसे छीनने की कोशिश करती है। अब दोनों भाई अपनी जान बचाने के लिए एलिस और जॉन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब उन्हें होश आती है तो वो देखते हैं कि दोनों भाई उनके सारे पैसे ले गए हैं और वो टीपॉट भी पहले से कम पैसे देने लगा, जिससे वो समझ
समझ जाते हैं कि अब उन्हें ज्यादा पैसे कमाने के लिए खुद को गहरी चोट देनी हो। अब ये दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ जॉन एक गुंडे को परेशान करने लगता है, तब बदले में वो उसे बहुत मारता है और हद से ज्यादा जख्मी कर देता है। अगले दिन जब डॉक्टर जॉन से मिलते हैं तो उसकी हालत देखते हुए कहते हैं, तुम तो बहुत बदल गए हो, वजह सिर्फ टी पोटी है, वो अब तुम्हें अपने कंट्रोल में करने लगा। वो उसे फिर से समझाने लगता है कि देर होने से पहले जल्द से जल्द उस टी पोट से छुटकारा हासिल कर लो। फिर एलिस को पता चलता है कि टीपोर्ट से पैसे निकलने के लिए ये जरूरी नहीं कि वो खुद को ही चोट पहुंचाए, बल्कि अगर टीपोर्ट के आसपास किसी को भी चोट लगती है तो ये उन्हें तब भी पैसे दे सकता है। अब पैसे कमाने का ये नया तरीका उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब इस तरह से पहले ये लोग एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ एक औरत का ऑपरेशन हो रहा होता है। फिर जाते हैं एक मैच में जहाँ दो लोग बॉक्सिंग कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। इसके अलावा ये लोग हर ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ लोगों को किसी न किसी तरह से तकलीफ मिल रही। अब जाहिर है ऐसा करने से उन्हें पैसे भी मिल रहे थे और उन्हें चोट भी नहीं लग रही थी, लेकिन जॉन को अब अजीब लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि एलिस बदल रही है, वो इतनी अजीब होती जा रही है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पैसे कमाने के चक्कर में वो खुद पर से कंट्रोल ही खोती जा रही है। इस पर इतना जुनून सवार है कि ये पैसे कमाने के लिए किसी की जान भी ले सकती है। तभी वो जैसे ही रोड पर चलते ही एक औरत को मारने लगती है, तो ये देखकर फौरन ही जॉन गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देता है, जिस वजह से एलिस को बहुत बुरा लगता है और वो जॉन को बुरा भला कहकर गाड़ी से उतर जाती है। तभी इन्हें एक और बात पता चलती कि एक दूसरे को बुरा कहने से भी वो टीपोटी ने पैसे दे रहा है। तब और पैसे कमाने के लिए एलिस जॉन को ऐसी ऐसी बातें कहती है जिससे उसका दिल टूट जाता है और अब वो जॉन को भी अपने बारे में बुरी बातें करने का कहती है। अब ऐसे करते करते वो दोनों रोज एक दूसरे को बुरा भला कहते। ये सारी वो बातें थी वो हमेशा एक दूसरे को कहना चाहते थे मगर कह नहीं पाते थे। इनमें वो बातें भी थी जो इनके राजों पर से भी पर्दा हटा रही थी, जिससे इन दोनों को पैसे तो मिल रहे थे लेकिन इनका रिश्ता टूटने की नौबत पर आ गया। यहाँ एलिस एक बड़ा राज खोलती है कि शादी से पहले मेरा ताल्लुक हमारे उसी मालिक मकान के साथ था। ये सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन पैसों को उठाकर एलिस के मुंह पर दे मारता है। फिर वो उस मालिक मकान को मारने के लिए उसके घर जाता है मगर बेचारा खुद ही मार खा के वापस आ जाता है। अब इन दोनों के तो सारे राज बाहर आ गए थे, इसीलिए अभी दूसरे लोगों के पास जाकर उनके राज खुलवाने की कोशिश करने लगते हैं ताकि ये लोग पैसे कमा सके। सबसे पहले वो जाते हैं उसी अमीर लड़की के घर, उसके हस्बैंड को बताते हैं कि तुम्हारे डॉग को तुम्हारी वाइफ ने ही मारा था, जिसके बाद वो जॉन के बॉस की वाइफ को बताते हैं कि आपका हस्बैंड आपको धोखा दे रहा है। फिर वो जाते हैं एलिस की बहन का घर तुड़वाने, उसके हस्बैंड को बताने कि तुम्हारी बीवी किसी और को पसंद करती है, मगर इससे पहले वो ऐसा करते एलिस वापस अपने होश में आ जाती है, मतलब पैसों के जुनून से बाहर। वो अपनी बहन से कहती है, तुम मुझसे बहुत जलती हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आखिर तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर एलिस की बहन को बहुत दुख होता है और वो उसे अपनी कही हुई सभी बातों की माफी मांगती है, जिससे दोनों बहनें एक दूसरे को गले से लगा ली। फिर अब ये दोनों घर आ जाते हैं जहाँ एलिस जॉन से कहती है कि मैं एक साथ ही बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ, हमारे आसपास बहुत सारे बुरे लोग हैं, मुजरिम हैं, जिन्हें अगर मैं मार दूं तो किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये मेरा एक अच्छा ही काम होगा, जिसके बदले मुझे एक साथ बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अभी लोग किसी भी इंसान को मारने से पहले उसकी कब्र खोद लेते हैं। अब जॉन एलिस को रोकना चाहता था, इसीलिए वो उसे पूछता है कि अगर तुम्हें टीपोट और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनो, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाता है और वो जॉन से कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम पर से उस टीपोट का असर खत्म हो जाए तो तुम्हें वो मुझे देना होगा, मगर जॉन जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है, एलिस उस टीपोट को कभी नहीं देगी। अब वो सफा जिसे एलिस ने किताब से फाड़ा था उसके जरिए उसे पता चल जाता है कि इस टीपोट को इस्तेमाल करने के बहुत नुकसान है, इसीलिए वो जॉन से माफी मांगती है और कहती है ठीक है ये टीपोट तुम डॉक्टर को दे दो। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब वो उस टीपोट की तरफ देखती है तो दोबारा से उसकी तरफ खींचने लगती है और उसे देने से मना कर देती है। ये देख जॉन समझ जाता है कि ये इतनी आसानी से इस टीपोट का पीछा नहीं छोड़ेगी, इसीलिए वो उस टीपोट के साथ कमरे की खिड़की से कूद जाता है, जिसके बदले टीपोट के अंदर से काफी पैसे निकलते। अब जॉन भी होश हो गया था, ये देखकर एलिस रोने लगती है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं अपने हस्बैंड की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, तो अब वो इस टीपोट को छोड़ने का फैसला करती है। फिर अगली सुबह ये देखते हैं कि उनका टीपोट मालिक मकान चुरा कर ले गया है। अब पहले तो ये खुश हो जाते हैं मगर फिर ये सोचते हैं कि ये टीपोट खतरनाक भी साबित हो सकता है अगर ये गलत हाथों में चला गया, तो इसीलिए हमें इसे डॉक्टर को देना होगा। तो अब ये उस टीपोट को लेने के लिए
मालिक मकान के घर जाते हैं और देखते हैं कि उसके घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा। फिर तभी इनके सामने मालिक मकान भी आ जाता है कुंजी भरा हुआ। उसके हाथ में गन थी जो उसने इनकी तरफ ही की हुई थी। तब एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता, जिस वजह से जॉन और उसकी हाथापाई हो जाती है। तभी वहाँ मालिक मकान की वाइफ भी आ जाती है जिसके हाथ में भी गन थी। लेकिन इससे पहले कि वो एलिस और जॉन को मारती, यहाँ वो जुड़वा भाई भी आ जाते हैं। उनके पास भी गन थी इसीलिए वो लोग आपस में ही एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं और एक दूसरे की जान ले लेते हैं। इस गोलीबारी में एलिस और जॉन की जान बच गई थी। अब उनके मरने की वजह से टीपॉट में से बहुत सारा पैसा निकलता है। उस पैसे और टीपॉट को लेकर वो दोनों इस घर से बाहर निकलते। उनके सामने वो डॉक्टर थे जो इन दोनों से टीपॉट की ताकत खत्म करते हैं और टीपॉट लेते वे कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों में से इस टीपॉट को छोड़ने की हिम्मत सिर्फ कुछ लोगों में ही थी और उनमें से आज एक तुम लोग भी हो। टीपॉट से कमाया हुआ बहुत सारा पैसा वो अपने दोस्तों को भी देते हैं और उस जगह को छोड़कर काफी दूर निकल जाते हैं। फिर डॉक्टर भी उस टीपॉट को बीच समंदर में फेंक देते हैं ताकि वो दोबारा किसी के हाथ न लग सके। पानी की गहराइयों में उस टीपॉट को दिखाते हुए ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।